चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी के रेड ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक दूसरे पर हमलावर हैं, आरोप भी लगाए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पंजा छाप अधिकारी संभल जाओ, नहीं तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अभी तो 30-40 गए हैं, यदि भ्रष्टाचार करोगे तो बच नहीं पाओगे। अगर रमन सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि रमन सिंह डर रहे हैं, इसीलिए वे अपनी खींच अफसरों पर निकाल रहे हैं। खास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूं कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ, अभी तो 30-40 गए हैं, भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीज बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का समय बाकी है। ये उनकी खीज है, वो डर रहे हैं, मतलब अधिकारियों को डराने काम कर रहे हैं। बेसिकली वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये वो खुद डरे हुए हैं। उनको पता है, वो जमीनी हकीकत पता है, वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी थी उतनी भी नहीं रहने वाली, और इस कारण से वो अपनी खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं।